जिससे हमारा मेमोरी कम यूज हो, और जितना लाइन ऑफ स्टेटमेंट कम हो जिससे रीडेबिलिटी अच्छा हो। तो इतना जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट हमने राइट किया है, इसको हम लाइन ऑफ स्टेटमेंट अब देखते हैं कि कितना कम से कम में राइट कर सकते हैं। देखिए इसको सेव करते हैं। अभी हमने ये बताया था, देखिए इस पर अगर मैं राइट करता हूँ इनपुट, तो ये हमें मैसेज 23 तो 23 रिटर्न करता है। इसको हेल्प करते हैं इनपुट, और देखिए इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसमें प्रॉम्प्ट कोई भी दे सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं इनपुट में, ये सिग्नेचर है इसका, इसमें हम कोई मैसेज दे सकते हैं। तो मैसेज अगर मैं देता हूँ तो इस पर इनपुट, इस पर जस्ट हमने हेलो राइट कर दिया इसके अंदर में, देन एंटर करता हूँ, देखो हेलो आ रहा है और यहाँ पे 23 ऐसा आ गया। तो इसी मैसेज को मैं ऐसा राइट करूं, एंटर फर्स्ट नंबर ऐसा दे दूं, तो ये भी एक मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, देन एंटर करता हूं, ऐसा आ रहा है। तो इनपुट में भी हम मैसेज दे सकते हैं, तो हमें प्रिंट जो मैं अलग से लगा रहा हूं इसकी लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा तो कर सकता हूं। तो जो मैं यहाँ पे प्रिंट लगाया हूँ यही मैसेज यहाँ से अगर मैं हटा दूँ तो इसके अंदर भी तो दे सकता हूँ, राइट? तो इसको भी हम लगाने के, इसको जो हमने अलग से दिया है इसको भी मैं इसी के साथ लगा दूँ, इसको भी जरूरत नहीं है, ओके? तो इसको भी अगर मैं रन कराऊँ अभी तो देखो ऐसा आ रहा है 23, 56, अभी भी रिजल्ट वही आ रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ पे मैसेज लिया है, एक ये भी जो मैसेज लिया हुआ है, इस मैसेज को भी मैं प्रिंट में मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकता हूँ। तो जैसे अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ इसका, प्रिंट राइट करता हूँ, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया हेलो, तो एक मैसेज हम दे सकते हैं। प्रिंट अगर मैं करता हूँ हेलो, देन एक कॉमा हाय, मल्टीपल मैसेज दे सकता हूँ मैं, जितना भी मैसेज चाहूँ कॉमा से सेपरेट करके मैं राइट कर सकता हूँ, और लेकिन मशीन उसको फिर एक ही लाइन रीड करे। हाँ, ये एक लाइन ऐसा प्रिंट करता है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, मतलब अभी आप इतना समझिए कि मल्टीपल आर्गुमेंट मैं इसमें पास कर सकता हूँ कॉमा से सेपरेट करके, मल्टीपल वर्ड या मल्टीपल स्टेटमेंट मैं इसमें पास कर सकता हूँ, मल्टीपल स्ट्रिंग, मल्टीपल वैल्यू या मल्टीपल ऑब्जेक्ट कह लो। एक्चुअली इसका डॉक्यूमेंटेशन में ये राइट है, मल्टीपल वैल्यू है, तो मैं इसको हेल्प अगर करूँ तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आप देखो, इस पे कितना नंबर ऑफ वैल्यू पास कर सकता हूँ, देखो एक वैल्यू कॉमा डॉट डॉट डॉट, थ्री डॉट का मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ, लिमिट नहीं है इसकी। तो इसमें कितना वैल्यू पास कर सकता हूँ कॉमा से सेपरेट करके, इनफाइनाइट नंबर है, एन नंबर ऑफ वैल्यू हम इसमें पास कर सकते हैं। तो इसकी सिग्नेचर में जितना ये आर्गूमेंट दिया हुआ है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या क्या है इसमें, कैसे हम इसको प्रिंट करते हैं। तो इसको हम n नंबर ऑफ वैल्यू पास कर सकता हूँ। तो जब यहाँ पे ये प्रिंट हमने ये दिया हुआ है, इसको भी दो बार प्रिंट राइट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमने इसमें कॉमा लगा दिया तो ये प्रिंट हटा दिया, देन इसको रन करता हूँ अभी भी रिजल्ट वही होगा 34, 56, सेम रिजल्ट आ रहा है। अब जो यहाँ पे देखो कि जो हमने एप जो ये मैस जो ये रिटर्न कर रहा है जो वैल्यू, वो सेव किस में हो रहा है, ए में, और ए को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ए के पास कौन दे रहा है वैल्यू, इनपुट दिस, देन ए को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करके किस में डाल रहा हूं, एक्स में। तो जो हमने ये राइट किया है, मैं इसको फिर से अलग कर लेता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं। जब आप इसको रन कराएंगे तो अलग से कर सकते हो, या इसको आप दोनों को हटा देना तो वो रिडेबल हो जाएगा। अभी एक कमेंट हमने कर दिया, तो जो ये मैसेज, मतलब
तक फिर ये रीड नहीं करेगा, इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जो कमेंट में नहीं है वो एग्जीक्यूटेबल है। फिर डबल हैश लगेगा, सिंगल हैश, ये डबल नजर आ रहा है। डबल इसमें इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। आप इसको शॉर्टकट में एक ही साथ अगर इसको अनकमेंट करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस फोर, ऊपर जो फोर होगा वो अल्ट प्लस फोर यूज करोगे, अल्ट प्लस थ्री जस्ट उसके एवव जो ऑल्ट के ऊपर जो थ्री है उसको प्रेस करोगे, होल्ड ऑल्ट को होल्ड करना है देन थ्री तो एक कमेंट हो जाएगा, और ऑल्ट प्लस फोर करता हूँ तो ये अनकमेंट हो जाएगा, तो मैं कमेंट कर दिया थ्री प्रेस करके। अब जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है इसको यहाँ से हटा दूँ और डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसे राइट कर दूँ, क्योंकि वही रिजल्ट तो ए में दे रहा है वही रिजल्ट बी में दे रहा है, तो मैं बी को एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी तो दे सकता हूँ इसे, इसको हटा दो आप, तो ये भी लाइन सेव करता हूँ देन प्रोग्राम को रन करता हूँ, और इसको हमने ये राइट किया 60, तो ऐसा आ गया। तो जो इतना लाइन ऑफ स्टेटमेंट था उसको हमने कितना किया, पहले हमने इस लाइन में किया देन देखो इतना थ्री लाइन ऑफ कोड में ये राइट हो गया। इसको और भी अगर लाइन ऑफ स्टेटमेंट अगर मैं कम करूं तो एक लाइन में भी हो सकता है, एक लाइन में कैसे हो सकता है, देखिए जो एक्स जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वही एक्स यहाँ पे दे रहा हूँ, वही वाई यहाँ पे ले रहा हूँ वही वाई यहाँ पे ले रहा हूँ, तो अगर मैं इससे ऐसा कर दूं इसको कॉपी देन, तो अलग से जो वेरिएबल यूज कर रहा हूं मैं यहां पे इसको हटा दूं, ऐसा राइट कर लूं और इसको मैं हटा दूं देन यहां पे राइट कर दूं और ये एक्स वाई हटा दूं, तो एक लाइन में ये प्रोग्राम है, सेव कर दिया प्रोग्राम को देन रन करता हूं, इंटर नंबर 23, 89, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो लाइन ऑफ स्टेटमेंट को हमें कम रखना है और जितना कम से कम वेरिएबल यूज करना है, जितना मैं कम वेरिएबल यूज करूंगा क्या होगा, मेमोरी हमारा उतना ही कम यूज होगा। तो जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमारा मेमोरी कम से कम यूटिलाइज हो और परफॉर्मेंस वाइज जितना फास्ट होना चाहिए। तो ये राइट जो हमने प्रोग्राम किया है इसमें समझ में आया? ठीक है, तो एक प्रोग्राम अभी आपको राइट करना है जिसमें फर्स्ट नंबर एंटर कराना है, सेकेंड नंबर एंटर कराना है, मतलब एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें फर्स्ट नंबर, ठीक है, एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें फर्स्ट नंबर एंटर कराना है, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फुल नेम, मतलब फर्स्ट नेम एंटर कराना है और लास्ट नेम इस पे प्रिंट कराना है, मतलब इनपुट लेना है, यूजर क्या इनपुट करेगा अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और उससे मैसेज क्या मिलेगा, उससे दिखना क्या चाहिए फुल नेम। तो ये अभी प्रोग्राम आपको राइट करना है अभी।